तो अब वक्त हो चला है देश की आवाज का, एक ऐसा शो जो आपकी आवाज को करता है बुलंद। और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के कृषि मंत्री की और साथ ही बीजेपी पार्टी की। आप सोच रहे होंगे कि कृषि मंत्री और बीजेपी पार्टी की हम बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह बड़ी है। दरअसल रेवाड़ी के मॉडल टाउन पहुंचे थे कृषि मंत्री ओपी धनखड़। उन्होंने एक गोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की। ओपी धनखड़ ने यह बताया कि यह कार्यक्रम किसानों से सुझाव लेने के लिए शुरू किया गया था। इस दौरान ओपी धनखड़ ने किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और यह भी कहा कि सरकार ने सिंचाई और पानी की समस्या से निपटने के लिए पिछली सरकारों से बेहतर व्यवस्था बनाई है। अब ये तो थी खबर, लेकिन आगे जो कहा गया कृषि मंत्री के द्वारा, उसके बाद कई तरह के सवाल उठते हैं जिन पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने आगे ये कहा इसी दौरान कि बीजेपी के टिकट का मतलब ही सीधे विधायक बनना है, ये कहना था कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का। तो ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठते हैं, जिसके बाद बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो नेता दूसरी पार्टी से बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या वाकई में उनको भी लगता है कि बीजेपी में आकर टिकट हाथ लग गई तो जीत सुनिश्चित है। तो ऐसे में कुछ सवाल हम आपके सामने अब रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने आखिरकार कहा क्या था। इस बार इसका मतलब हमारा ग्राफ जो है वो सबसे अच्छा है, 75 पार का है। बीजेपी के टिकट का मतलब सीधा विधायक, इसलिए हर जगह टिकटार्थियों की लंबी सूची बनी है। आपने सुना कि कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है, अब कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं जिन पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। सवाल क्या है आपके सामने हम अब रखने जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का जो बयान सामने आया है उनमें साफ तौर पर देखने को मिला है कि बीजेपी के टिकट का मतलब है सीधे विधायक बनना। तो क्या बीजेपी से इसलिए जो बाहर के नेता है या फिर जो नए राजनीति में कदम रखने वाले नेता है वो बीजेपी का रुख इसलिए कर रहे हैं कि टिकट मिलता है तो विधायक सीधे बन जाएंगे? टिकट मिलते ही कोई भी विधायक कैसे बन सकता है? क्या इतना ज्यादा जनाधार बीजेपी का आज के समय में हो चला है? बीजेपी नेताओं का ये अति आत्मविश्वास क्या आपको सही लगता है? क्या ऐसा ही माहौल हरियाणा में है भी, या सिर्फ ये हवा हवाई बातें हैं, सिर्फ माहौल बनाने की बातें हैं? क्योंकि विपक्ष इसके इतर कहता है कि ये अहंकार है बीजेपी का, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि बीजेपी दावा करती है कि लोकसभा चुनाव में आपने नतीजे देख लिए हैं, आपने मेयर चुनाव में देख लिया, आपने उपचुनाव में देख लिया है, तो क्यों ना हम कहें कि अब की बार 75+75 पार ये होने जा रहा है। यानी दोनों तरफ की बातें हैं, इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। तो फोन उठाइए, सीधे हमसे संपर्क कीजिए और बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे। चाहे आप हरियाणा के रहने वाले हो, चाहे आप हरियाणा से बाहर के रहने वाले हो, आप ये बता सकते हैं कि विधानसभा चुनाव हरियाणा में है तो माहौल आपके राज्य में या फिर हरियाणा में क्या लगता है? हरियाणावासी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्यों ऐसा कृषि मंत्री कह रहे हैं। क्या ये उनका अति आत्मविश्वास है या दूसरी ओर वो ठीक कह रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 70 से ज्यादा विधानसभा आप मान लीजिए कि ये बीजेपी के कब्जे में थी, इसलिए 10 लोकसभा की सीटें आई थी और इसलिए फैसला किया गया कि अब की बार पूर्ण बहुमत नहीं चाहिए, अब की बार 75 पार का पूर्ण बहुमत चाहिए। और कुछ मंत्री तो 85 पार का भी नारा देते नजर आए, यानी कि 85 सीटें बीजेपी की हरियाणा में आएगी 90 विधानसभा सीटों में से। ये कृष्णलाल पवार जो कि परिवहन मंत्री है उनका कहना था। एक तरफ विपक्ष कहता है कि 47 पर 4 पर आ जाएगी बीजेपी, तो वहीं बीजेपी कहती है कि अगर टिकट मिलता है बीजेपी पार्टी की ओर से, कृषि मंत्री खुद कहते हैं, तो विधायक बनना तय है, यानी कि विधानसभा में जाना लगभग तय माना जाएगा अगर किसी को भी बीजेपी की टिकट मिल पाती है। तो लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप डायल कीजिए और सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय आप दीजिए कि फिलहाल हरियाणा में क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि इनेलो के विधायक राज्यसभा सदस्य भी बीजेपी का दामन थामते नजर आए थे और अब ये सवाल उठता है कि क्या इसलिए ये नेता लोग बीजेपी की ओर जा रहे हैं कि वहां पर टिकट मिलता है तो जीत सुनिश्चित है, वहां पर विधायक बनना तय है? क्या ये वो भाप चुके हैं पहले ही, इसलिए इस तरह के फैसले लिए गए हैं? खुद मुख्यमंत्री भी स्वागत करते नजर आते हैं, तो कृषि मंत्री भी आत्मविश्वास से लबरेज तो हैं, लेकिन क्या ये अति आत्मविश्वास है, ये बड़ा प्रश्न है। बलदेव सिंह सिरसा से पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, आपकी राय क्या है?
मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, धनखड़ साहब बिल्कुल ही आत्मविश्वास के उसमें लबरेज हो गए कह रहे हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। अगर इनको बीजेपी का इतना ही ग्राफ ऊपर है तो ये दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने अंदर क्यों मिला रहे हैं मुख्यमंत्री? अगर इनमें हिम्मत है तो ये अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दें, उसके बाद इनको पता चलेगा भाई वाकई में इनकी वो है कि नहीं है। इन्होंने इनोला को तो पूरी तरह हाईजैक कर लिया है, उनके बड़े लीडरों को ये प्रलोभन देंगे और अपनी पार्टी में शामिल करके उनके थ्रू ये 70 का आंकड़ा पार करना चाह रहे हैं। अगर इनमें अपनी बीजेपी ने इतना कुछ काम किया है तो ये अपने लोगों को टिकट दे दूसरे लोगों को क्यों दे रही है? ये अगर उदाहरण पेश करे भाई हम अपने ही वर्करों को टिकट देंगे और दूसरों को नहीं देंगे तो ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से? तो इससे पता चलता है कि बीजेपी का ग्राफ बिल्कुल डाउन है और इनको पता है भी अगर हम अपने उस पर करेंगे तो हारेंगे, इसलिए इन्होंने जानबूझ कर ये दूसरे पार्टियों के लीडरों को लाकर अपनी वो इमेज बनाना चाह रहे हैं। इसके बारे में यही कहना है, इसीलिए इन्होंने चौटाला साहब को बाहर नहीं आने दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आपने अपनी राय को रखा और आपका कहना था कि जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये आपका कहना था, ये आपकी निजी राय, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय को रखा और बताया कि बीजेपी को इतना ही विश्वास है जीत का तो क्यों ना अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मेहनती जो लोग हैं बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं उनको आगे क्यों नहीं लाया जाता या सीधे घोषणा क्यों नहीं की जाती कि नए नेता बेशक बीजेपी के साथ जुड़े लेकिन टिकट पुरानों को मिलेगा। लेकिन ये अलग मसला है, असल में बीजेपी के नेता यानी कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ कहते नजर आते हैं कि टिकट मिला तो विधायक का टिकट समझिए। प्रेम है चेन्नई से हमारे दर्शक फोन पर जुड़ चुके हैं, नियमित दर्शक है हमारे। प्रेम जी आपकी राय क्या है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जब शुरू में आई थी तो उनके सिद्धांत और चिंताएं बहुत अच्छी थी, अब उन्होंने पार्टी का बड़प्पन और उनको बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग समुदाय से लोगों को लेना शुरू कर दिया, जैसे फिल्म जगत हो गया, जैसे सीरियल टीवी सीरियल हो गए, जैसे सड़कों पर भीड़ इकट्ठे करने वाले नाचने गाने वाले हो गए। तो क्या है कि एक्चुअल में ये पार्टी अपना जिस हिसाब से आदमियों को ले रही है, मूल सिद्धांत देश की सेवा करना इनका नहीं बच गया। अब ये कोई भी विचार में अब इनमें थोड़ी मस्करी की भावना थोड़ी ज्यादा आ गई, पहले पहले गवर्नमेंट पब्लिक समझती थी कि ये कुछ आके काम करेंगे, अब इनके पास में भ्रष्टाचार मिटाने के कोई चीज नहीं रह गई, खाली अपनी चीजें बढ़ाना का सिद्धांत रह गया। अब ये क्या करते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उनके बारे में कहते हैं, पर अपने नहीं सोच रहे कि ये पार्टी जितनी जोर शोर से आई थी उतनी जोर शोर से गिर भी सकती है। आज धनखड़ साहब कुछ भी बोल रहे हैं पर वो बोल रहे हैं कि हमने कुछ आय बढ़ाई है किसानों की, अरे तुम तो बोल रहे हो 5 साल बाद दुगनी करोगे, 5 साल नहीं 7 साल हो गए तुमको दुगनी करने की बात कहते कहते तुम 2025 में ले जाओगे। जो सिद्धांत था बीजेपी का उसे वो भूल चुकी है और आज जो स्थिति कुछ और है, डर लगता है हार का, तभी दूसरे नेताओं को भी पार्टी में लिया जाता है, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए भी कलाकार को ही पार्टी में शामिल किया जाता है और ये सिर्फ कोरी बातें हैं कि 75 पार या फिर टिकट मिलता है बीजेपी का तो विधायक भी बनना तय है। अजय पठानकोट से दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर, राजू जी आपकी राय क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए ऐसा है कि ये धनखड़ जी का ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये जो इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना, देखो कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है पर ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। मैं ये बात बताऊं कि जैसे इन्होंने हमारे यहाँ सनी देओल को खड़ा किया था गुरदासपुर सीट से, वो सनी देओल जीत भी गया, चलो अच्छी बात है जीत गया, काफी वोटों से जीता, पर आज तक उसको ये नहीं पता कि लोगों की समस्याएं क्या है। अब आप ही बताइए कि ये क्या मैसेज जाएगा पब्लिक को, या क्या उन्होंने, चलो अच्छा कैंडिडेट समझ के वोटें डाली, धर्मेंद्र भी प्रचार करने के लिए आए और भी उसका काफी लोगों ने प्रचार किया, पर उसको ये पता ही नहीं। और उसने देखो जब चुनाव जीता तो उसने रोड शो किए जी, लोगों का धन्यवाद किया, पर बीजेपी वालों को सनी देओल को बुला के कम से कम इतना तो समझाना चाहिए कि पब्लिक की समस्याएं क्या है। और ये हमारे यहाँ उसके ऊपर मतलब लोगों ने विरोध भी किया काफी, जो पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों ने भी कहा, क्योंकि वो तो राजनीतिक रोटियां सेकते ही हैं, पर जो बीजेपी ने कॉन्फिडेंस अपना बनाना है, ये जो कलाकार खड़े करते हैं इनको पॉलिटिक्स सिखाएं भी कि आम लोगों के लिए पॉलिटिक्स भलाई के लिए कैसे करनी है, अदरवाइज ये ओवर कॉन्फिडेंट होना, यानी बार बार भरोसा अगर जनता का जीतना है तो जो भी कैंडिडेट हैं जो जीत जाते हैं सदन में आते हैं तो उनको समझाना चाहिए कि जनता की सेवा कैसे करनी है, वरना ये विश्वास अति आत्मविश्वास में बदलकर
हार का सामना भी करवा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि आखिरकार इस बयान के मायने क्या है। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ दर्शक फोनलाइन पर मौजूद हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपकी राय आप रख सकते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में तो खूब जुतम बाजार हो रही है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला फूटी आंख भूपेंद्र हुड्डा को नहीं भाता और भूपेंद्र हुड्डा को अशोक तंवर नहीं भाता, एक फूटी आंख। अब इस प्रकार से इनकी पूरी एक कड़ी है कि जिसके चयन का मैं खुलासा कर सकता हूँ, परंतु इतना समय चैनल के पास नहीं है जी। वहीं आप देखिए, जो इनेलो है वो वैसे सल्टी पड़ी है, जेजेपी में अब नई जेजेपी पार्टी बनी है, उसका क्या हासिल हुआ लोकसभा चुनाव में, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु जो मनोहर लाल खट्टर ने जातियों को छोड़ करके, पार्टियों को छोड़ करके सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया, आम गरीब नागरिक के बच्चे को नौकरी मिल रही है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। अब नहीं तो पहले क्या था कि ब्राह्मण है, अच्छा जी इसको नौकरी दे दो, फलानी जात का है ले लो जी इसको नौकरी, ऐसी कैंडिडेट दे दो जी, मगर अब वैसा नहीं है, पारदर्शिता है, पारदर्शिता के माध्यम से नौकरी मिल रही है। अगर आप रिलायबल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप एक्सपीरियंस होल्ड हैं, अगर आप डिजर्व करते हैं और प्रशासन को लगता है कि ये बच्चा कुछ नौकरी में कुछ करेगा तो उसको नौकरी मिल रही है। आप पारदर्शिता के माध्यम से अगर जो नौकरी मिल रही है तो मेरे हिसाब से तो ये गलत नहीं कर रही सरकार। इस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा को 5 साल भ्रष्टाचार से मुक्त किया। मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरे पर्सनल व्यू है, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। इस वजह से मनोहर लाल खट्टर को जो ये कह रहे हैं कि हमें इतने सीट मिलेगी, बिल्कुल डेफिनेट नहीं मिलेगी और मिलनी चाहिए भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी विस्तार से अपनी ओर से राय रखी और बताया कि क्यों ओपी धनखड़ को ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी की टिकट कोई पा जाता है तो उसका सदन में जाना, विधानसभा में जाना तय है, यानी वो विधायक बनेगा ही बनेगा। यानी जो दर्शक हैं वो बहुत सोच विचार कर अपनी बातों को रख रहे हैं, सब चीज़ों को देखा है कि फिलहाल हरियाणा की राजनीति में चल क्या रहा है। एक तरफ इनेलो है जिसके खुद के नेता बीजेपी की ओर जा रहे हैं और दूसरी तरफ जेजेपी नई पार्टी है, उस पर भरोसा जनता करेगी या नहीं करेगी आने वाला समय बताएगा, और साथ ही कांग्रेस की गुटबाजी को भी दर्शक बताते नजर आ रहे हैं, और इसलिए बीजेपी का टिकट मानो विधायक बनना। एमपी शर्मा है हिसार से हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर। एमपी शर्मा जी, आपकी राय क्या है? मेरी राय है जी, देखो इनेलो टूट चुकी है, जेजेपी का भी कोई जनाधार नहीं है जी, आम आदमी का कोई जनाधार नहीं है जी, मतलब यहाँ कोई पार्टी कांग्रेस का जलूस निकल ही गया। कांग्रेस के जो बागी थे, मतलब उनको उपेक्षा कहो, वो मतलब बीजेपी में जा चुके हैं। तो इस देश को, आम नागरिक को ये तो पहचान हो चुकी कि ये अपने पेट के लिए, अपने हित के लिए या जनता के हित के लिए जो लालच में आज दौड़ के जा रहे हैं जी, जिससे जन्म लिया उसको छोड़ के और सौतेली माँ के यहाँ जा रहे हैं, तो उन लोगों का क्या है, उनका आचरण का जरूर पता लग गया आम जनता को। और इनकी हार ही है कि आज भी बारिश में से आया कूड़ा करकट सबको अगर समाने लग रहे हैं समुंदर बन के, तो ये जल्दी ही मल खात्मा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इजी काम इजी को जी जी। एमपी शर्मा जी धन्यवाद सर, आपने अपनी राय को रखा है। राम सचदेवा कुरुक्षेत्र से हमारे साथ दर्शक फोनलाइन पर मौजूद है। राम जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार। ये अपने आप को सबसे बड़ा मशहूर, इनसे भी बड़े बीजेपी के नेता हैं, वो भी तो ऐसा कुछ बोल सकते थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी जो मतलब वो है, देखो आज 4 दिन से लगातार उनके उसको पर वो चल रहा है, क्या ये मतलब बीजेपी जैसे यही चाहती है, यही वो करते, जबकि कोई सबूत नहीं मिला, ये सिर्फ मतलब अपना नाम वो करना चाहते हैं। क्या बीजेपी सरकार इसलिए बनी है कि एक आदमी मतलब उनके फार्म पर अब तक भी मतलब वो कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई वो नहीं मिला। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं किसान कि हम मदद करेंगे, देखो अगर किसान की मदद की होती तो वो की, तो आज देखो कोई ऐसा दिन होया जिस दिन किसान ना मरता, जिस दिन सबसे ज्यादा मेहनत भी किसान ही करता है और उनके बच्चे भी किसान ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकता, अगर आज किसान ही मतलब सबसे ज्यादा परेशान है जबकि ये कृषि मंत्री है, हर चीज के गुंडा गलत कहना, गलत वो करना या मन करना, इतना वो नहीं होता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये मंत्री है, पर ये बात और कोई वो भी तो कह सकता था। सबसे बड़ी बात मैं यह कहता रहा हूँ, जो आज किसान
जो हमारे हमारा और इन मंत्रियों का पेट भरते हैं वो उनके ऊपर वो करते हैं, या किसानों के ऊपर ये बात कर सकते हैं। जब आज आज देखो ऐसा कोई चीज नहीं आया जिस दिन किसान भूखा किसान ना मरता हो, आज किसान ही मरते हैं, किसान ही जो हमारे को रोटी और इन मंत्रियों को रोटी देते हैं, किसान ही आज आज ये किसानों के बारे में इस तरह कह रहे हैं तो और क्या कह सकते हैं। बेरोजगारी देखो कितनी है, हर ओपी धनखड़ कृषि मंत्री नहीं बोल रहे बल्कि बीजेपी का अहंकार बोल रहा है, ये आपका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय को रखा है। धर्मपाल हैं फतेहाबाद से हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर। धर्मपाल जी आपकी राय। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहले तो कारगिल विजय दिवस पर सब सपूतों की माँ को मेरा चरणों में नमन नमन प्रणाम। जी जी सर जी, ये बीजेपी वालों का घमंड हो गया, ठीक है ना जी। तो इनके मंत्री और वो घोटाले में नहीं है जी, इनका पर्दाफाश करने वाला कोई नहीं है, ये जनता करेगी। सर जी 18 दिन रोडवेजों की हड़ताल चली थी, उसमें ऐसा ही ऐसा ऐसा घोटाला हुआ 900 करोड़ का, 900 करोड़ का घोटाला हुआ सर जी। उनकी अभी तक कोई जांच नहीं, कोई नहीं। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से मांग करता हूं कि ये छोटी छोटी मछलियां नहीं, बड़ी बड़ी मछलियों का उन पर सीबीआई जांच या सिटिंग जज से मांग जांच होनी चाहिए। ठीक है सर। और जो हड़ताल चली थी उनमें कच्चे कर्मचारी लगे थे उन पर। ठीक है, आपने अपनी मांग को रखा, हमने आपकी बातों को रखने का आपको समय भी दिया। ठीक है, आप दूसरे मुद्दे पर बोल रहे हैं लेकिन जहां तक मैं आपकी बात को समझ पाया हूं, आपने कहा कि विपक्ष को भी जोरों शोरों से सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने चाहिए लेकिन सरकार के खिलाफ विपक्ष नजर नहीं आता है, तो शायद इसका फायदा बेशक बीजेपी को मिले लेकिन जनता तैयार है, ये आपकी निजी राय है। शोभा करनाल से दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। शोभा जी आपकी राय क्या है? मैं ये बताना चाह रही हूँ, हाँ ये सही है कि वो अति आत्मविश्वास उनका अति आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि उनको पता है अंदर से कि मतलब हम लोगों ने जीतना ही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये लोग जीतेंगे, वाकई जीतेंगे, क्योंकि मतलब इनकी सेटिंग इस तरीके से हो चुकी है कि मतलब चाहे दो पैरों वाला हो चाहे चार पैरों वाला, कोई भी खड़ा कर दिया जाए वो जीतेगा ही बीजेपी के टिकट पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो दूसरे नेताओं को जो ले रहे हैं वो इसलिए कि मतलब वो विपक्ष को बिल्कुल खत्म ही कर देंगे, वो विपक्ष का नामो निशान ही नहीं रहना चाहिए, वो इसमें आ जाएंगे तो नेचुरल है कि वो हमारे ही हो गए। और रही बात नौकरियों की, नौकरियां तो जो दूसरी कास्ट के लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं वो एमए या मतलब और अच्छी अच्छी डिग्रियों वाले पीएन लग रहे हैं, तो मतलब ये कोई नौकरियां नहीं होती जिसके लिए कहते हैं, वो तो केवल अपना गुजारा करने के लिए है कि वो गुजारा कर रहे हैं, ओवर एज लगभग होने को है तो वो पीएन लग रहे हैं, तो ये नौकरियां नहीं है। नौकरियां अगर सही तरीके से अगर कुछ हो रहा हो तो मतलब करवाए, नहीं तो उनके तो हजार हजार रुपए हर नौकरी में अप्लाई करते हैं और उनकी नौकरियां नहीं लगती, उनसे केवल खर्चे निकाले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, आपने अपनी राय को रखा है और साथ ही बताया कि विपक्ष को खत्म करने का एक प्लान है बीजेपी का और इसके अनुसार ही बीजेपी काम करे, अगर विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता में बीजेपी को आना ही होगा, ये हमारे दर्शक कहते नजर आए। अलग अलग तरीके से अपनी बातों को दर्शकों ने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े। देश की आवाज में इतना ही, लगातार आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।